अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो आपका भाई आ गया है न्यू वीडियो के साथ। और ये देखें, आमना ने जो है ना आयत को जो है ना वो बेल्ट पे रख लिया हुआ है, कैरियर है, क्योंकि यार पोला बहुत तंग कर रहा है यार, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत तंग कर रही है। कहती पापा शिकायतें को लगा रहा है मेरी, पापा ऐसे ऐसे करते, चल ऐसे ऐसे करते पापा, बस ऐसे ऐसे करते, नहीं करेगा ना तो इसका मतलब है गुस्से में है, बहुत गुस्सा है उसको, बहुत गुस्सा है उसको। वो ये है ना, वो बहुत परेशान हो जाती है, ज्यादा लोग देख के ना बहुत परेशान हो जाती है, वो रोना बंद ही नहीं करती। तो अम्मी भी तैयार हैं, बस अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, पानी पकड़ लें। तो यह तो देखते हैं ना, अगर अभी ये सही रही ना तो फिर ये वहीं पे हमारे साथ रहेगी, मगरिब के बाद हम आएंगे। अगर सही ना रही तो फिर आमना को मुझे छोड़ना पड़ेगा वापस आके ना, क्योंकि वो रोना बंद ही नहीं करती यार, रोई जाती है रोई जाती है। तो बस अब चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो बस अब हम जा रहे हैं, लिफ्ट से नीचे चलते हैं। बाबा मेरा ना आमना के पास ही जा रही है, मेरे पास ही जा रही है, जब से मेरी टींड हुई है ना मेरे पास नहीं आ रही, डर रही है मेरे साथ। कोई बात नहीं, इसको मैं सही कर लूंगा अभी, अभी मैं खुद और चीजों पर कंसंट्रेट है मेरा। बाबा मेरा छोटा सा है, ये छोटा सा बिल्कुल है, सही हो जाएगा। पारा बहुत है, मैं क्या करूँ इसका, माशाल्लाह पारा बहुत है। तो जोहर की नमाज का टाइम हो गया, तो ये देखो पंखों में से ना ठंडी हवा निकल रही है, बहुत ज्यादा रश है यार, जोहर का टाइम है ना, बहुत रश है, वो देखो वो ठंडी हवा आई है इसमें से ना पंखों में से, और रश बहुत ज्यादा है। ये देखो यार बहुत रश है, बहुत ज्यादा, और आवाम अभी आ रही है, आवाम बहुत ज्यादा आ रही है। तो जोहर की नमाज पढ़ते हैं ना, फिर देखते आगे क्या करते हैं, खाना खाना है। ये बोतल भरना भी ना बड़ी तगड़ा होगा काम है, यकीन मानो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतना रश होता है ना। तो पानी भर लिया, दो बोतलें ऑलरेडी हैं, मैंने ये भी भर लिया। और यहाँ पे ना हर नमाज के बाद ना नमाज जनाजा भी होती है, तो नमाज जनाजा भी आपके भाई ने आज पढ़ी होगी, मुझे पता नहीं था, सुबह पता चला है कि नमाज जनाजा भी होती है साथ, तो नमाज जनाजा भी पढ़ी आपके भाई ने आज। तो बस अब अम्मी को और आमना को पिक करते हैं और निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। जो है ना अम्मी और आमना कह रही हैं कि हमने पाकिस्तानी खाना है, तो ये मुतावल पाकिस्तानी अरबी इंडियन खाने का बेहतरीन मरकज है, तो ये पाकिस्तान फैसलाबाद होटल है, यहाँ से खा रहे हैं। आमना कहती है बिरयानी खानी और दलीम खानी, मैं खा लो, लेकिन मुझे फ्रेश नहीं लग रही, लेकिन बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है, बेहतर जानता है। चलो फिर आप खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तरीका जो है ना वो ये है खाना खाने का, दस्तरखान पे सारा कुछ बिछाओ और खा जाओ। मुश्किल के बाद जगह मिली है यार, बड़ी मुश्किल के बाद, तो बिरयानी खाएंगे साथ, ये हलीम जो है ना दलीम, बहुत रश है यार आजकल, बहुत रश है, लेकिन रायता नहीं है इसके साथ ना, मजा नहीं आ रहा। टोपी इतनी टाइट थी कि आपके भाई को ये देखो निशान पड़ गए यार, ट्रेन के बाजू आपके भाई, तो ये देखो निशान पड़ेंगे। तो होटल में वापस आ गए, उनको छोड़ते हैं, फिर असर के टाइम इंशाल्लाह फिर निकलेंगे। तो लो जी, अब जो है ना असर की नमाज का टाइम हो गया, तो बस चलते हैं असर की नमाज पढ़ते हैं, फिर मैंने एक दो काम भी करने हैं वो भी करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या होता है। मैंने ना एक और सिम ले लिया, अभी रामना के पास सिम नहीं ना है, तो एक और सिम आपके पास निकलवा ली है, बस आप जाके एक सिम उन्हें दे दूंगा, एक मैं अपने पास रखूंगा, ठीक है। क्योंकि फिर ना औरतें लहरा नमाज पढ़ती हैं, मर्द लहरा पढ़ते हैं, इसके बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए ना, मुझे फिर अपने सुनते छोड़ के ना फिर उन्हें पहले ढूंढता हूँ, फिर मैं बाद में नमाज पढ़ता हूँ, तो आप जो है ना सुकून हो जाएगा, मोबाइल होंगे ना दोनों के पास, तो कोई टेंशन नहीं होगी। और आगे मदीने में भी ऐसे ही होता है, औरतें लहरा हैं मर्द लहरा हैं। तो बस आप जो है ना मगरिब का टाइम भी होने वाला है, बस देखते हैं फिर आगे क्या क्या करते हैं। और ये भाईजान है हमारे इंडिया से, तो ये भी इन्होंने भी सिम ली, सब ने सब मिल के सिम ले रहे हैं यहाँ पे, 85 रियाल की सिम मिली और 15 बहुत महंगा है, 15 GB नेट है, वो उसमें से भी 5 सोशल मीडिया पे है। तो बस देखते हैं, और बड़ी तो रिचार्ज करवा लेंगे। चलो फिर अब चलते हैं। तो यहाँ पे ना कम्युनिकेशन का बड़ा मसला हो रहा है आपके भाई को, क्योंकि शुरते जो है ना शुरतों को इंग्लिश समझ नहीं आती यार, मुझे अरबी समझ नहीं आती, उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती। तो बस कोई बात नहीं, होता है ऐसे। तो बस आप जो है ना, जब भी मैं नमाज के लिए आता हूँ ना, तो लाजमी जमजम पी के जाता हूँ, जमजम पिए बगैर आपका भाई नहीं जाता यहाँ से, तो जमजम पीते हैं बस। तो ये देखें खाना खा पके कितने पास हैं यहाँ पे, बहुत रश है यार, बहुत रश है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये तवाफ़ कर रहे हैं सेकंड फ्लोर पे उसके, ये
ये देखें माशाल्लाह सारे लोग इधर जा रहे थे, तो मैं कहता अभी चलता हूँ, मैं अभी देख के आता हूँ क्या है इधर, मैं पहुँचने वाला हूँ, देखते हैं जा के आगे ना। लोगों से पूछा है कि यहाँ पे ना ज़ुल्फ़ार सल्लम का घर मुबारक जो है ना वो यहाँ पे है, येलो कलर के, अभी आगे जा कर देखते हैं कहाँ पे है, तो ज़ुल्फ़ार सल्लम का घर भी देखते हैं जहाँ पे वो रहते थे। तो ये ना ज़ुल्फ़ार सल्लम का घर था, ये येलो कलर की जो बिल्डिंग है ना ये, तो यहाँ पे ना ये लिखा आ रहा है कि ना ज़ुल्फ़ार सल्लम यहाँ पे बोर्न हुए या नहीं हुए, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो वो कह रहे हैं कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। तो ये तस्वीर बनी हुई है इस घर के अंदर, वो कह रहे हैं कोई प्रूफ नहीं है कि ज़ुल्फ़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो यहाँ पे पैदा हुआ है। तो ये सामने पहाड़ है और ये क्लॉक टावर है, अब जो है ना वापस चलते हैं क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया, तो बस आप निकलते हैं वापस। काबा के ना थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं, थर्ड फ्लोर पे हैं सहन में, टेरेस में बड़े लोग आए हुए हैं यार यहाँ पे। तो ये भाई जो है ना ये खजूरें बांट रहे हैं, तो हम भी पकड़ लेते हैं और हम भी ले लेते हैं इसमें से दो तीन खजूरें। यहाँ पे ऊपर पढ़ना बड़ा मज़ा है यार, बड़ी प्यारी हवा चल रही है, नीचे सहन में ना गहमा गहमी होती है, यहाँ पे बड़ा सुकून है। तो यहाँ पे ना मसाले बिछे हुए हैं, बड़ा प्यारा मंजर है यहाँ पे भी यार, बहुत प्यारा लग रहा है यार माशाल्लाह। एक लोग मक्का टावर और ये सारा, और ये जो दीवार है ना ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, नहीं तो यहाँ से खाना कबा नज़र आता है, बिल्कुल सामने खाना कबा, बिल्कुल सामने। तो अपना नीचे चलते हैं, बाहर बहुत गहमा गहमी हो जाती है लोगों का ना, तो इधर अंदर पढ़ना बड़ा सुकून है माशाल्लाह से ना, बहुत सुकून। ये देखें ये अंदर से आइए, ज़बरदस्त माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ अंदर। किंग अब्दुल्ला गेट इधर को है राइट साइड पे, जो इधर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह यार ज़बरदस्त। तो यहाँ से ना अब बाहर चलते हैं, क्योंकि एक तो चौक पे मैंने जाना है, कबूतर चौक पे जाना है, वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है, तो आपको दिखाता हूँ। आप कबूतर चौक की तरफ जा रहा है आपका भाई ना, कबूतर चौक की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। यहाँ पे ना खाना बांट रहे हैं, लाइनें बनवाई हुई हैं बड़ी बड़ी, वीआरपी बैठे हुए हैं यहाँ पे ना खाना बांट रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई। तो हम कबूतर चौक ढूंढ रहा हूँ यार, कबूतर चौक नहीं मैं लभ रहा, कबूतर चौक कितने वे यार, कबूतर चौक, पिजन चौक कितने जो ला लो लभ दो, कबूतर चौक जा रहे हैं ढूंढ लेंगे यार कोई नहीं। तो ये रहा यार कबूतर चौक, ये तो अब बस जो है ना मगरिब के बाद अब इशा का टाइम भी होने लगा है यार, तो कबूतर चौक भी देख लिया है, क्योंकि मैं ना अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ सब कुछ ना नेक्स्ट टाइम के लिए, क्या नेक्स्ट टाइम मुझे ना मुश्किल ना हो। तो होटल वगैरह मैं देख रहा हूँ कि कौन सा करीब है कौन सा दूर है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से आएँगे इंशाल्लाह, पूरा होमवर्क करके आऊँगा मैं, ठीक है ना। इतना होमवर्क मैंने नहीं किया था, तो बस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह होमवर्क पूरा होगा आपके पास। तो ये रहा कबूतर चौक जहाँ पे बस ने हमें उतारा था, और यहाँ से टैक्सी से हम होटल अपने गए, हम मुझे समय लग गई है। सब जाना इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, खाना लेते हैं और घर चलते हैं। तो मैंने ना तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर चल लिया है, तो अब जाना जमजम पीते हैं यार, सुकून मिलेगा। इशा का टाइम हो गया, बस सफ़े बन चुकी हैं, अजान होने वाली है, इशा पढ़नी है, फिर अब जमजम पीते हैं। देखें इशा का टाइम हो गया हुआ, तो यहाँ से पहले जमजम पीते हैं और फिर सफ़ बना लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ यार बहुत ज़्यादा। तो लो जी मैं आ गया हूँ, और खाना जो है ना मैंने इस दफ़ा लाया हूँ तुर्किश, वो तबूले वो क्या कहते हैं यार मुझे नाम ही भूल गया, मेरी फेवरेट थी, क्योंकि बाहर आकर भी बंदा अगर पाकिस्तानी खाना खाए तो यार फिर मुझे नहीं पसंद, आम ना कहती पाकिस्तानी खाने, हालांकि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, जब इंसान दूसरे कंट्री में आता है ना तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, सही है। तो
दाया आपका भाई, ये देखना, ये ट्राई करेंगे ना। अमीर जी खा लोगे? तुर्किश खाना का जी। नान है? नान नहीं है, ये चिकन के होते हैं तबूली। तुम बनाए होंगे, तुमने आमना ने रेसिपी बनाई हुई है मेरे ख्याल से, पता होगा, इसको देखेगी पता चल जाएगा। मुझे मेरा नाम भूल गया यार, मैं इतना थका हुआ हूँ कि नाम भूल गया। तो ये लेके आया हूँ मैं। तो हाँ आमना पसंद है ये? अम्मी को देते हैं, साथ शवारमा भी है, जैसे शवारमा खाना है वो शवारमा खा ले। ये शवारमा भी है और ये भी है। तो हाँ आमना फिर कैसा रहा है, कैसा था डिनर? मजा आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, जब दूसरे कंट्री में जाओ, लाइट चीज खाओ और डिफरेंट कंट्रीज की ना फूड ट्राई करो, ताकि एक्सपीरियंस करो। नहीं हमें एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं ना ज्यादा, हम जानते नहीं कहाँ पे यार। ये बहुत फेमस डिश है उसकी, तुर्की की, पता है? नहीं रेस्टोरेंट वगैरह का पता नहीं। अच्छा हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रहा है, लेकिन लेकिन अब ये अपना ये ना कहना कि यार पाकिस्तानी खाना है। चलो ना खाना, वो तो अम्मी दाल खा, अम्मी कहती है कि दाल सब्जी खानी है। अम्मी के लिए तो चलो ठीक है, वो बिरयानी थी अम्मी के लिए, लेकिन अपना जो है ना ट्राई किया करो डिफरेंट कंट्रीज की, ताकि टेस्ट पता चले, रेसिपी बनाओ। इंडियन भी है यहाँ पे रेस्टोरेंट में, देखा है इंडियन भी है, बहुत रेस्टोरेंट है इंडियन खाने बहुत मजे के। मुझे बात करने दो, आज लेकिन वो रियल टेस्ट हो रही है। तो आए तो हो रही थी, वो कहती मुझे भी लेके आओ वीडियो में। तो बाबा बाबा भी आ गया वीडियो में, बाबा भी आ गया। बाबा जो है ना बहुत तंग किया हुआ है यार बाबे ने, बाबा एक्स्ट्रा कोई ना एक्टिव हो गया यहाँ पे आ गए। बाबा मेरा ना चूहा हो जा रहा है और ना एक्टिव हो जा रहा है। मेरे पापा कह रही है, पापा मेरी शिकायत तू ला रहे है, सही हो जा तू पापा। ये देखो कान पकड़ लिया मेरा इसने, देखो जरा। चलो मैं चाय लेके आ। चले फिर इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, कल देखते हैं, कल हमने जाना है गारे हीरा पे। तो कल गारे हीरा पे जाएंगे इंशाल्लाह, फिर वहां पे जुड़ाना ऊपर चढ़ना है आमना। तो कोशिश करेगी आमना भी यार, ये तंग ना करें ना अगर, तो बड़ा आसानी से चढ़ जाएंगे हम, थक जाते हैं। तो बस अगर इससे तंग ना किया तो बड़ा वहां पे नफल भी पड़ेंगे। चलो फिर हमें दे दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिये, अल्लाह हाफिज़।